ये तंगी घुमाते हैं ना, तभी आँखों में से आंसू भी आ जाते हैं, बहुत गर्मी होती है, चक्कर भी आ जाते हैं, कभी कभी तो बीमार भी पड़ जाते हैं। हम अक्टूबर महीने में आते हैं और ये काम शुरू करते हैं, तो ये सॉल्ट पैन बारिश की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो हम बांधते हैं उसको, फिर से रिपेयर करते हैं। इसमें 2 महीना लग जाता है और उसके बाद पानी भरने के बाद नंगे पैर पगड़ी देनी पड़ती है, रूलर फिरना पड़ता है। उसके बाद हम जब पानी भरते हैं तो 1 महीने के बाद ये हम इसको काटते हैं, करी बनती है और इसमें से चूरा बन जाता है और धीरे धीरे लकड़ी की कंगी हर रोज घुमाते हैं जब खेतों में हल चलाता है इस तरह, तो वो बढ़ता जा रहा है नमक धीरे 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 धीरे, वो 5 महीना का नमक अलग होता है और मार्च महीने में ख़त्म हो जाता है। जब ये सारे ऐसी नेचुरल क्लेमिटीज जब आती है तो उससे जो उसकी नमक का प्रोडक्शन कम होता है या उससे जो उसका नमक जो है उसकी क्वालिटी जब जो होती है वो ख़राब होती है, तो उससे जो प्राइस तय की हुई होती है फिर उसके अंदर भी ट्रेडर जो है ना वो काफ़ी बार नमक जो है उसकी प्राइस वो हाफ़ कर देता है।